हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, और सब कैसे हैं? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और हमारे लेक्चर्स यानी मैथ्स अभ्यास को देख देख के जेई मेन या इन फ्यूचर जेई एडवांस की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके, फिर से मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कल ही के लेक्चर्स यानी मैथ्स अभ्यास के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कल हमारा हुआ था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के। फिर से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे, कुछ हमने फॉर्मूलेज बताए थे, उस फॉर्मूले पर कुछ और क्वेश्चन करने हैं, उसको लेके आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। ओके, तो पिछले लेक्चर्स के यानी कल के लेक्चर्स देखना जरूरी है जो हमने फॉर्मूले किए थे, और आज भी वो फॉर्मूले लिख देंगे हम, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा प्रॉब्लम लेक्चर 4 है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कल के लेक्चर्स में, एक फॉर्मूला बताया था साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, बताया था ना? ये क्वेश्चन एग्जैक्ट उसका बेस्ट एग्जांपल है। इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन 25 डिग्री, 35 डिग्री, 85 डिग्री कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वेयर ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स एंड आर इन देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब कुछ कैंसिल, और जब भी डिनोमिनेटर में होता है ना, तो आप डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं लिखते 4/6, लोएस्ट फॉर्म 2/3 होता है, इसीलिए लिख दिया जाता है वो, ठीक है? लोएस्ट फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, बस ये हमें बताना है, ठीक है? कुछ पुराने डेटा आपको याद रखने होंगे, जैसा कि हमने बताया था बच्चों, एज फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, डिराइव भी किए होंगे, है ना? देखो इसमें ना एक चीज ये ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है सोल्ड एग्जांपल में, तो बेसिकली एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वही जेई मेन के फॉर्मूले बन जाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स में, यानी आपको वो लर्न करना है, सोल्व नहीं करना है। सोल्व कर सकते हो, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसीलिए आपको क्या करना है, वो लर्न करने हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा होने के लिए, ठीक है? नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 साइन 3 थीटा, यही था ना फॉर्मूला, ये था 1/4 साइन 3 थीटा। नाउ यहां पर देखो एक है थीटा, थीटा यदि हमने 25 डिग्री लिया तो कितना आसान हो गया 60 माइनस थीटा, दैट इज 35 डिग्री, कितना आसान हो गया 85 डिग्री, दैट इज 60 प्लस थीटा, है ना? तो यदि हम लेते हैं यहां से साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा यानी 35 डिग्री होगा ना, इंटू साइन ऑफ, देखो ये एकदम चीख चीख के चिल्ला रहा है कि प्लीज यूज मी, है ना, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, देखो यही वाला है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा यानी 3 × 25 डिग्री, ये क्या होता है साइन 75 डिग्री, याद होगा ना साइन 75 डिग्री बच्चों, अब ऐसा मत करना कि 45 प्लस 30 से निकाल लेंगे, निकाल सकते हो, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, टाइम तो आपको याद रखना है ना, याद यदि नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, लाइक साइन जरूरत होती है 15 डिग्री की, साइन 15 डिग्री √3 − 1/2 √2 या √6 − √2/4, मतलब ऊपर नीचे हमने ना √2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, साइन 75 डिग्री यही बीच में प्लस हो जाएगा, यही बीच में क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये साइन 75 डिग्री। इसके अलावा और जो जरूरत होती है वो होती किसकी जरूरत है, देखो
वो होती है 22.5 डिग्री की। इसको तो निकाले थे पिछले क्लास में भी ना, इसको हमने साइन थीटा बाई टू यानी साइन थीटा यूजिंग कॉस टू थीटा या साइन थीटा बाई टू यूजिंग कॉस थीटा निकाला था, याद होगा पिछले हफ्ते हम कर चुके हैं। तो ये साइन थीटा बाई टू है ना, वहां से आ जाएगा। तो ये क्या आता है 1/2 माइनस रूट टू, टू ही टू छाया हुआ है भाई हर जगह। तो ये सब कुछ कुछ ना आपको ध्यान देने हैं, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है ना। ये प्लस हो जाएगा यानी 67.5 डिग्री, ठीक है, याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मिनट में डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये डेटा हमें ऑलरेडी याद होना चाहिए, मान लिया जाए बच्चों डेटा ये याद है, ठीक, तो पुट कर देंगे। यदि याद नहीं है तो डिराइव करेंगे, है ना, एक दो मिनट लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो ये आपका आता है 1/4 साइन 75 डिग्री, यही लिखा हो ना। बेसिकली कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अरे हमने तो रूट थ्री प्लस 1/2 रूट टू याद किया है, वही चीज है, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है ना, इसीलिए। तो ये आ गया आपका रूट सिक्स प्लस रूट टू बाई फोर। तो यानी यहां से आपको क्या आया हुआ है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है रूट ए प्लस रूट बी अपॉन सी, उसी जैसा लग रहा है ना ये। तो यहां से क्या आ गया, ये दिस इज इक्वल टू रूट सिक्स प्लस रूट टू बाई 16, है ना, ये है। और लोएस्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि कोई कट जा रहा है, ऐसा नहीं हम कि टू से टू काट दे, क्योंकि एबीसी नेचुरल नंबर है बच्चों, रूट टू से रूट टू काट सकते थे लेकिन नीचे में बच जाएगा 8√2, नेचुरल नंबर नहीं होता है इस वजह से। सो ए इज इक्वल टू, कंपेयर कर लिए, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 6, बी इज इक्वल टू आ गया 2 और सी इज इक्वल टू आ गया 16, आया ना। तो ए बी सी आ गया बच्चों। तो यहां से हमसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, ऐड कर दो 6 प्लस 2 प्लस 16 24 ना, ये है। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि डायरेक्टली बेस किस पर था, पिछले क्लास के फॉर्मूले पर। पिछला क्लास क्या, इस बार भी तो लिख ही दिए है ना, ये देखो केवल ये फॉर्मूला याद करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ये इसीलिए अप्रोच याद रखते हैं। फिर से हम करते हैं ऐसा ही फॉर्मूला जो पिछले क्लास में हमने रॉकिंग फॉर्मूले के नाम से फर्स्ट फॉर्मूला टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बताया था, देखो उस पर बेस्ड ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ना हमसे पूछा जा रहा है कि tan 81, tan 63, tan 27 और tan 9। सोचने वाली बात है कि लोग सोच रहे होंगे 81 और 9, एक 90 है और 63 और 27, ये भी क्या है बच्चों 90 ही होता है, तो इन दोनों का पेयर ले लेंगे। इसमें हमें क्या क्या यूज होगा वो देख लेते हैं। एक तो हम इन दोनों को एक साथ ले लिए, देखो दिस कैन बी रिटन एज tan 81 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री एक साथ, मतलब जिसका भी एडिशन 90 डिग्री है ना उसको हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है, उसको भी हमने एक साथ, उसी को हमने एक साथ लिख लिया। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी tan 81 डिग्री ये आ जाएगा cot 9 डिग्री और ये है tan 9 डिग्री माइनस सिमिलर वे tan 63 डिग्री यानी cot 27 डिग्री और ये है tan 27 डिग्री, है ना। यहां से क्या लिख लेना है, एज tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, ठीक, ये हमने यूज कर लिया। अब देखो पिछले क्लास के हमारे रॉकिंग फॉर्मूले पर आ रहा है ना, ये सेट हो रहा है cot थीटा प्लस tan थीटा,
कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, सोचो क्या होता है, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, टू अपॉन साइन टू थीटा बताए थे, है ना, टू अपॉन साइन टू थीटा, है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज, सो दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज इक्वल टू कॉट नाइन प्लस टैन नाइन, टू अपॉन साइन टू थीटा 18 डिग्री माइनस 2 अपॉन साइन 2 थीटा यानी 54 डिग्री। ठीक, क्या याद रखना था, एज हमें याद रखना था एज टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, यही वाला यूज किए हैं। इसके अलावा और क्या याद रखना है, साइन 18 डिग्री करवा रखा है ना सर ने, साइन 18 डिग्री पिछले स्लाइड में हमने 1575, 22.5 और 67.5 डिग्री पर साइन का वैल्यू बताए थे। अभी 18 पर साइन या 36, ये सब भी याद रखते हैं। तो देखो रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, सोचो फाइव माइनस वन होता है ना फोर, जैसे साइन देखो ऐसे यदि हम सोचे 15 डिग्री है तो सिक्स माइनस टू होता है ना फोर, इसीलिए फोर है भाई नीचे। अब ऐसा मत सोचना प्लस में भी होगा, माइनस वाले में अच्छा लगता है। तो रूट फाइव माइनस वन बाय फोर हो गया, है ना, इसी में याद रख लेंगे। साइन 36 डिग्री भी याद रखते हैं भाई, है ना, टेन माइनस टू रूट फाइव अंडर रूट अपॉन फोर, वैसे यूज एकदम नहीं हुआ है ये साइन 36 डिग्री, यूज एकदम नहीं हुआ है, कॉस 36 डिग्री ज्यादा यूज हुआ है। कॉस 36 डिग्री जो होता है वो रूट फाइव प्लस वन बाई फोर होता है, और यही साइन 54 डिग्री होता है। भाई जेई वाले भी जानते हैं कि वो थोड़ा बहुत ना टाइम रिलेटेड इंटेलिजेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, बहुत लंबे लंबे डेटा वाले नहीं पूछना चाहते हैं वो, तो इस वजह से ये वाला कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है, ये वाले ज्यादा यूज होंगे और ये वाले, है ना, यानी साइन 54 डिग्री ये हो गया। अब यही वाला वैल्यू रख लेना है इसमें, सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहां से दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, टू अपॉन साइन 18, टू अपॉन साइन 18, साइन 18 लिखा हुआ है ना, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर और माइनस टू अपॉन साइन 54 भी लिख दिया है। साइन 54 मतलब कॉस 36 कैसे हुआ, 90 माइनस थीटा से रूट फाइव प्लस वन बाई फोर, ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से हमें ये लेना है, अब इसको सोल्व करना है बस, है ना, इसी को अब क्या करना है, सोल्व कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 8 अपॉन, है ना, 8 अपॉन रूट फाइव माइनस वन माइनस 8 अपॉन रूट फाइव प्लस वन, एलसीएम ले लिया, है ना, तो यहां से आ गया क्या, आ गया 5 माइनस वन आ गया ना, और ये आ गया 8 टाइम्स रूट फाइव प्लस वन माइनस 8 टाइम्स रूट फाइव माइनस वन, जो खराब है वो तो कट गया, है ना, दिस इज इक्वल टू रूट फाइव से रूट फाइव, देखो बच्चों हमने दिया काट, 8 प्लस 8 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4, दिस इज द आंसर, ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये उधर के बैकग्राउंड में फॉर्मूले हैं, ये सब सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, याद रहेगा ये, और ये यहां से लेकर यहां तक चला गया है, ये क्लियर। तो हमने क्या किया, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है, टू अपॉन साइन टू थीटा, ये भी याद रखना है, साइन 18 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 36 डिग्री, इवन साइन 72 डिग्री, साइन 72 का मतलब कॉस 18 ना, वो भी देख सकते हैं ना, वो इसी सब में याद रखते हैं, जैसा जहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी बच्चों उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, दोनों जगह आया हुआ है, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो दो से तीन से चार लाइन में, लेकिन
फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है? तो वो यदि हमें याद है तो हम कर लेंगे। क्लियर है? नाउ नोट कर लिए होगे ना सारे बच्चे? नोट कर लिए? देखो अब आगे चलते हैं, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन। जैसे ये है मिक्स्ड एग्जांपल, सब है, ज्यादा वो सब कुछ नहीं। मिक्स्ड एग्जांपल मतलब मल्टीपल ऑफ एंगल्स भी यूज होगा, सब मल्टीपल्स भी यूज होगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब एक साथ, मतलब होते एक ही फॉर्मूले हैं, है ना? उसलिए हम कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? एकदम बेसिक पर है। देखो ये क्वेश्चन है रूट ओवर 9 - 8 cos 40 degree इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकेंड 40 degree वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, देन मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, है ना? बस ये याद रखना है। रैशनल इसलिए कि ऐसा नहीं कि रूट टू रूट थ्री ये सब भी ए बी कोई लेके आ सकता है, वो गलत हो जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोचो, देख रहे हो हमें, देखो एक साइड में कॉस दिया हुआ है, दूसरे साइड में सेकेंट दिया हुआ है, तो क्यों ना हम बच्चों सेकेंट को कॉस में बदल ले, सेकेंट को किस में बदल ले, कॉस में बदल लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखो 9 - 8 cos 40 degree है भाई। अब 40 डिग्री में कुछ ऐसा रखा हुआ है क्या, हम थीटा लेके चले, है ना? चलो 40 डिग्री लेके चलते हैं, रूट है ना, दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये ए प्लस बी अपॉन कॉस 40 डिग्री ना, यही दिया हुआ है। थोड़ा ये इक्वल टू तिरछा कर देते हैं, इसके इक्वल है ये, यानी ये हम एलसीएम ले लेते हैं इसको, तो एलसीएम का मतलब ए कॉस 40 डिग्री। देखो 40 डिग्री तो एक बहाना है ना, आ तो ऐसे भी जाएगा, है ना, थीटा से भी आ जाएगा, क्योंकि 40 डिग्री वैसे भी हम क्या जानते हैं इसके बारे में, ज्यादा तो कुछ जानते नहीं है, इसीलिए है ना हम बाद में पुट कर देंगे, आ जाएगा। अब देखो ये आ गया, कोई भी आदमी क्या करेगा, इसको क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्क्वायर कर देते हैं, तो कॉस 40 डिग्री है ना, और ये है 9 - 8 cos 40 degree का रूट इज इक्वल टू ए कॉस 40 डिग्री प्लस बी, है ना? अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कैसे जाएगा भाई, है ना, रूट और हो जाएगा, इस वजह से स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने से कॉस स्क्वायर 40 डिग्री आ गया, 9 - 8 cos 40 degree आ गया, ठीक है, ये आ गया ए कॉस 40 डिग्री प्लस बी। अब देखो यहीं पर हमें सोचना है, ठीक है, यहीं पर हमें क्या करना है, सोचना है ये परफेक्ट स्क्वायर में ये वाला टर्म है ना, ये पूरा का पूरा टर्म हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में लाना है, ये पूरा का पूरा टर्म हमें लाना है परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक। यदि ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर में लाना है तो देखो हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा ना, कॉस क्यूब 40 डिग्री, हम उस कॉस क्यूब थीटा को कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा में लिख सकते हैं ना, वही यूज करेंगे इसमें, है ना? तो जैसे यदि हमने फॉर्मूला इसमें लिखा होगा, है ना, तो ये हम देख सकते हैं, देखो यही वाला है ना, तो इसमें देखो हम इसको आगे और, है ना, देखो अब हमारे पास क्या आया हुआ है बच्चों, हमारे पास है, भूल गए, फिर से आ जाता है, कॉस 9 cos square हमारे पास है 9 cos square 40 डिग्री माइनस 8 cos³ 40 डिग्री, और इसको लाना है परफेक्ट स्क्वायर में, ए कॉस 40 डिग्री प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ये लाना है हमें। अब यहां क्यूब है, जब देखो होल स्क्वायर जो है उसमें क्यूब तो आता नहीं है कभी, स्क्वायर तो आता है होल स्क्वायर में लेकिन क्यूब नहीं आता, तो हम क्यूब को एलिमिनेट करेंगे। नाउ यूज क्या करेंगे, कॉस क्यूब थीटा, है ना, यानी कॉस 3 थीटा, जानते हो ना बच्चों कॉस 3 थीटा क्या होता है, 43, यानी 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos³
थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा हम रख देंगे, है ना। तो यहां से 4 कॉस क्यूब थीटा क्या आ गया, यहां से 4 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यही ना होता है। यदि हम साइन 3 थीटा लिखते हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये सब याद रखना है ना। नाउ अब हम कर लेते हैं, वही यूज कर लिए, सो दिस इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 2 टाइम्स। देखो ये 8 लिखा हुआ है, 8 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 टाइम्स 2, तो 4 कॉस क्यूब थीटा रख लिया, कॉस 3 थीटा यानी 3 इंटू 40 डिग्री प्लस 3 cos थीटा यानी 3 into cos 40 डिग्री। इसका मतलब देखो 40 डिग्री का यूज हो रहा है तभी तो ये 120 आता है ना, ये सोचना है इसमें, यही है ना। अब देखो 9 cos स्क्वायर 40 डिग्री, 9 cos स्क्वायर 40 डिग्री कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री क्या होता है, कॉस 120 डिग्री बताओ, कॉस 120 डिग्री होता है माइनस हाफ, क्या होता है माइनस हाफ। तो ये आ गया पूरा का पूरा, देखो हम इसको लिख देते हैं, दिस इज माइनस हाफ, है ना। तो यही हम यहां पर यूज कर देंगे, तो माइनस 2 टाइम्स ये क्या आ गया, माइनस हाफ प्लस 3 कॉस 40 डिग्री, है ना। तो यहां से अब इसी को लिखते रहते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री माइनस 6 टाइम्स कॉस 40 डिग्री और प्लस 1 है बच्चों, प्लस क्या है 1, माइनस माइनस कट गया ना, तो दिस इज 3 कॉस 40 डिग्री माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, है ना। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही यहां लिखा हुआ है ये। इसका मतलब अब कंपेयर कर दिया है ना, इन दोनों को कंपेयर करने से a और b तो आ गया ना, a और b आ गया, तो यहां से दिस इज a cos 40 डिग्री है प्लस b का होल स्क्वायर है, बाकी हमने लिखा नहीं है ना, वैसे चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरत है नहीं, है ना। चलो लिखते रहते हैं, है ना, a cos 40 डिग्री प्लस बी, ये तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी में लिख देना है, आई थिंक नो नीड टू राइट मोर एंड मोर, है ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है तो हो जाएगा। अब देखो यहां से कंपेयर करने से, कंपेयरिंग है ना, कंपेयर करने से क्या आ गया, ए आ गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 3 ना, और बी इज इक्वल टू आ गया माइनस 1, सो ए प्लस बी का मॉड पूछ रहा है ना, दैट इज 2 आंसर है, दिस इज इस क्वेश्चन का आंसर, आसान है ना। तो ये हमें बच्चों ध्यान देना होता है कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब प्रोसीड करते जाना है, कंसेप्ट क्या है, यहां पर राइट हैंड साइड लाना था स्क्वायर, जब स्क्वायर किए थे तो राइट हैंड साइड क्या लाना था, स्क्वायर में लाना था, लेफ्ट हैंड साइड क्यूब में हो गया, लेकिन क्यूब किसी का नहीं था, अपना नहीं था क्यूब, वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का था, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा का पावर 3 को भी साइन थीटा का पावर 1 में लिख सकते हैं, ट्रिपल एंगल हो जाएगा, कॉस थीटा का पावर 3 को भी कॉस थीटा में लिख सकते हैं, ट्रिपल एंगल हो जाएगा। तो ये सब ट्रिगोनोमेट्री की खासियत है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ये आ गया ना आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2 याद रहेगा, तो a प्लस बी का मॉडुलस बताना था, अपने आप सेट हो गया, क्लियर है ये, यहां हमने स्क्वायर किया और बस हमें पावर 3 आया, पावर 3 को हमने ये लिख दिया कॉस क्यूब थीटा, ये यूज भी कर दिया, फॉर्मूला देखो हम एक ही साथ साथ सब लिख दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कॉस क्यूब थीटा को ये लिख दिया, उसके बाद तो केवल सोल्व करना है बस, क्लियर है बच्चों। तो ऐसे ही एकदम चैलेंजिंग क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं है, देखो मेरा फॉन्ट साइज ज्यादा बड़ा है इसलिए 3-4 लाइन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, दूसरा मैं फॉर्मूले भी लिख दे रहा हूं, तो इससे शॉर्टकट मेथड, ट्रिगोनोमेट्री हो या कोई भी मैथमेटिक्स हो, जो सबसे शॉर्टकट मेथड है
मैं केवल उसी पर चलूंगा, ठीक है। कोई बच्चा ट्राई कर सकता है इसको, ठीक है, ओके। नाउ आगे हम बढ़ जाते हैं। देखो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। मैं इसमें क्या करता हूं, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, दिस इज द चैलेंजर क्वेश्चन, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, है ना, चैलेंजर क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एक होम असाइनमेंट टाइप का यूज होगा, यानी होमवर्क, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है, ये सब को साइन 2x में बदल लेना है। देखो क्वेश्चन में साइन 2x दिया हुआ है, साइन x तो साइन x होता है, cos x तो cos x होता है, tan x तो साइन बाई cos, cos बाई साइन, 1 बाई साइन, 1 बाई cos। यहां सारे रेशियो यूज किए हुए हैं, सारे रेशियो यूज किए हुए हैं, इसको सोल्व करना है और इसको हमें चैट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, है ना। जिसका आ गया इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री में ना उसको जेई एडवांस तक कुछ करने की जरूरत नहीं है, जेई एडवांस के लेवल तक में भी उसको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज में उसको अलग से टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, यदि जिसका आ गया तो, ठीक है। इतना अच्छे क्वेश्चंस में ये है, ठीक है, जस्ट सॉल्व इट, ओके। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे, देखो हम क्या करते हैं ना, बच्चे को अच्छा ही मानते हैं, हमें लगता है वो कर ही लेंगे, है ना भाई, कॉन्फिडेंस। क्योंकि बच्चे यदि अच्छे से थ्योरी देखते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं, रेगुलर सॉल्व करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वैसे नहीं कि एग्जाम आने के बाद नो ऑफ सीरियस, ऐसा वाले नहीं होते हैं, तो उनसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना, आंसर इसमें चार ऑप्शन है, इसी को आपको बता देना है, ठीक है, ओके। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया। नाउ हम इसी तरह से और आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। एक इसमें आपको सर ने बताया था किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, बताया था ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम भी पर ये सब क्वेश्चन है। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वन इज के टाइम्स कॉस वन बाई टू, देन द वैल्यू ऑफ के इज क्या होगा, ठीक है। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास कलेक्शन में है, हम उसी को आपको करवाते रहेंगे। प्रॉब्लम्स सोल्व करो, अप्रोच समझो, ट्रिगोनोमेट्री खत्म, ऐसा कोई भी टॉपिक हो जाता है ऐसे ही। आपको मैक्सिमम मिनिमम के लिए याद होगा फॉर्मूला, है ना, फॉर रियल एक्स, है ना, फॉर रियल एक्स। यदि हम रियल एक्स लेते हैं या थीटा लेते हैं तो क्या होता है, ए कॉस थीटा यानी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और मिनिमम वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले। एंगल सेम रखना है, एंगल सेम रखना है, यदि cos 2 थीटा है तो यहां पर भी sin 2 थीटा होना चाहिए, cos 3 थीटा है तो यहां पर भी sin 3 थीटा होना चाहिए, है ना। यदि नहीं है तो हम ये चेंज करेंगे। जैसे इस पर भी क्वेश्चन जो जेई में आए हुए हैं, जेई एडवांस में ना, इस पर बहुत पुराना है क्वेश्चन, इस पर भी आए हुए हैं, वो हम आगे करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस पर हम ये कंसेप्ट लगा देते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो साइन एक्स है और साइन एक्स प्लस वन है, तो एंगल तो बदल गया ना बच्चों, एंगल क्या हो गया, बदल गया, लेकिन एंगल तो सेम करना होगा। तो एक है एक्स, दूसरा है एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन जो है दिखता है ए प्लस बी जैसा, दिखता किसके जैसा है, ए प्लस बी जैसा, तो हम उसी को याद रखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी तो याद ही है, तो हम इसको कर लेते हैं, है ना। ये क्या है, साइन एक्स है प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वन, साइन ऑफ एक्स प्लस वन चलो लिख लेते हैं, चूंकि ए प्लस बी जैसा लिखना है ना, दिस कैन बी रिटन एज, ये है साइन एक्स प्लस साइन ए प्लस बी। क्या होता है बच्चों,
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये देखो साइन एक्स के सारे टर्म एक साथ लिखेंगे, साइन एक्स के सारे टर्म है ना, तो साइन एक्स कहां कहां बैठा हुआ है, तो देखो एक है वन प्लस कॉस वन है इसका कोफिशिएंट, यहां वन रेडियन में होगा है ना, ध्यान देना है, प्लस साइन वन ये है और कॉस एक्स है, ठीक। तो देखो बच्चों यहां ए के जगह पर क्या है वन प्लस कॉस वन, बी के जगह पर क्या है साइन वन, ए के जगह पर है वन प्लस कॉस वन, बी के जगह पर है साइन वन। फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वो और मिनिमम ये, हमसे क्या पूछा जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा वही निकाल लेते हैं। सो मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस कॉस ऑफ वन का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ वन का होल स्क्वायर, बस यही लिखना है। अब इसी को सोल्व करना है बच्चों, जो इस फॉर्म में आ जाए, हमें दिया हुआ है कि हमें ये लाना है ना, तो ये ला के फिर क्या बताना है के का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। ये नाउ अब हम क्या करेंगे, वन प्लस कॉस वन का होल स्क्वायर यानी वन प्लस कॉस स्क्वायर वन प्लस टू कॉस वन ले लिया प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर वन है। देखो बच्चों आप जानते हो ना कॉस स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर वन क्या होता है, कॉस स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर वन ये होता है आपका वन, तो वन प्लस वन ये आ गया टू। इसको अब हम आगे ले जाते हैं, देखते हैं आगे पेज पर क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। तो हम इसको आगे ले आए है ना, अब वहां से प्रीवियस से क्या आया है वन प्लस वन, ये वाला वन क्यों हुआ कॉस स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर वन, और ये था टू कॉस वन, ठीक है क्लियर। वन प्लस वन तो हर आदमी जानता है, मुझे भी याद है, टू होता है टू कॉमन ले लिए वन प्लस कॉस वन। अब देखो जब सर ने आपको हाफ एंगल्स फॉर्मूले बताए थे, हमने भी बहुत बार यूज किए हैं, पिछले हफ्ते भी यूज किए हैं, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा ये सब ने डायरेक्ट डायरेक्ट ध्यान देना है। ये देखो यहां ये भी लिख देते हैं वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, देखो इसमें पहले भी बोले थे ना बच्चों फॉर्मूले की ना कोई कमी नहीं है, जितना चाहो उतना याद कर लो, मतलब ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन में है कोई बच्चा और वो इलेवेंथ में है या ट्वेल्थ में है या ड्रॉप लिए हुए हैं और उसके बावजूद वो टेस्ट सीरीज कहीं कोई चल रहा होगा क्रिकेट मैच और वो देख रहा है, गलत कर रहा है, वो 100% गलत कर रहा है। रिजल्ट के बाद उसको अपने बारे में फील होगा, ये जो जीत गए जो हार गए वो तो वही हमारे देखने से कुछ नहीं होगा उनका, है ना। नाउ इसलिए ये सब याद रखना है, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा याद हो गया, इसके अलावा और क्या क्या होता है भाई वो भी बता ही देते हैं, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, दिस इज इक्वल टू ऑल आर इक्वल टू टैन ऑफ थीटा बाय टू, है ना। तो ये भी एक याद रखते हैं, ये भी एक याद रखते हैं, ये भी एक याद रखते हैं, याद हो गया ना, याद रखना है, बहुत यूज होता है बच्चों इसमें। अब यहां पर क्या है, किस कलर में है व्हाइट, तो यहां पर क्या है टू, ये क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, यहां थीटा ही तो वन है ना, ठीक। ये बस फॉर्मूले लगा देना है, तो यहां से क्या हो जाएगा टू टाइम्स बाहर आ गया ना कॉस वन बाय टू। अब रूट एक्स स्क्वायर होता है बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड एक्स होता है ना,
रूट एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स। तो यहां पर कॉस 1/2 क्या है, देखो 1 रेडियन में बोल रहे हैं, 1 किस में है, रेडियन में, डिग्री में भी समझोगे तब भी, वैसे डिग्री नहीं लिखा हुआ है मतलब रेडियन में है, 1 रेडियन 57 डिग्री के आसपास होता है, हाफ जस्ट उसके हाफ यानी 28 पॉइंट समथिंग हो, चलो 29 रख लो, है ना, क्या इधर उधर करोगे, 28.5 रख लो, 28.5 डिग्री कॉस में, 28.5 डिग्री होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है पहले से पता है, नो नीड टू राइट मोड। सो दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, के टाइम्स कॉस ऑफ 1/2, सो के इज इक्वल टू क्या आ गया, के इज इक्वल टू, थोड़ा डिजाइनर के हैं, के इज इक्वल टू 2, ठीक है वही के, थोड़ा सा डिजाइनर कर दिए हैं, बाकी तो और क्या है, है ना, सारे राइटिंग भी तो वही रहते हैं, है ना, बच्चे डिजाइन लाइक करते हैं, अच्छा लगता है उनको, हो सकता है किसी दूसरे फील्ड में अच्छा लगता होगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में भी तो डिजाइन होते हैं, बहुत सारे अच्छे फिगर होते हैं। तो k इज इक्वल टू 2 याद रहेगा। अब देखो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया बच्चों, k इज इक्वल टू 2, देखो बाकी सारे ऑप्शन एकदम डबल डिजिट में थे, एक ही ऑप्शन था ऑड वन आउट, एक ही ऑप्शन था ना, ये कैसा ऑप्शन था, ऑड वन आउट, तो बस हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, मैक्सिमम मिनिमम भी कर लिए, हमने बोला था इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, जैसे कि जेई में आया हुआ था एक क्वेश्चन डायरेक्ट, यदि हम यूज करें इसको, यदि हम इसको यूज करते हैं, सीधे एकदम 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू है डिजाइनर के, ठीक है, क्वेश्चन में है ये दिया हुआ, बताना है के का रेंज क्या होगा, या नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, है ना, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बताना है, फॉर विच इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन, फॉर विच इक्वेशन हैज सोल्यूशन, मतलब समझना, इक्वेशन हैज सोल्यूशन, अब जब इक्वेशन के सोल्यूशन है, इसका मतलब जो इक्वेशन के बॉन्डेड फंक्शन है, मतलब साइन और कॉस, वही होगा ना, अब देखो 7 cos x प्लस 5 sin x, मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट यूज कर लो, 7 cos x प्लस 5 sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है भाई, मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 49 प्लस 25 74, ऐसे लगता है 64 लिख देंगे, है ना, थोड़ा वो फैमिलियर है ना इस वजह से। अब रूट 74, रूट 74 क्या आता है, 8 से ज्यादा होगा 9 से कम होगा, 8, 64, 9, 81, 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है, अच्छा 81 के नजदीक है, यानी 8.5 से तो ज्यादा होगा, चलो 8.6 रख लेते हैं, है ना, आसपास रख लिए, यानी के जो हुआ यही ना, के दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू के, ये है 8.6 के आसपास, और ये ले लेते हैं, जगह कम है इसलिए -8.6, है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो के का वैल्यू, बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया था जेई में, यहां पर के की जगह पर 2k+1 लिखा हुआ था, के की जगह पर क्या लिखा हुआ था, 2k+1 लिखा हुआ था, तो वहां से के निकालना है, यहां तो सीधे आ जाएगा के का इंटीग्रल वैल्यूज, है ना, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, -8 -7 -6 से लेकर ये 8 तक आएगा, यही आएगा ना, -9 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये 8 तक आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 1 से 8, 8, -8 से 1, -1, 8, है ना, और एक 0, तो ये हो गए 17 वैल्यूज,
याद रहेगा। तो इस तरीके से मतलब हमें गिन लेना है कि कितने इंटीग्रल वैल्यूज होंगे जिसके लिए आंसर आएंगे। जो क्वेश्चन आया था वो 2k प्लस 1 का था, तो वहां पर 8 वैल्यूज आए थे, है ना। वो ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन 2k प्लस 1 है, यहां हमने केवल k ले लिया है, थोड़ा सा चेंज किया है, k का वैल्यू आ गया, तो यहां से हमें एग्जैक्ट क्लियर आ गया कि कितना आ रहा है इसमें, ठीक है। याद रहेगा, याद रखना है। तो 17 वैल्यूज आ गए, ये हो गया जेई का इसी टाइप का क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमम हमने पहले भी कर रखा है, क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और एकदम आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते भाई। लग रहा है किसी बच्चे को कि ये जो है ना 37.5 डिग्री थोड़ा खराब लग रहा है, वैसे 75 का आधा है ये, है ना, और 75 डिग्री तो याद है, लेकिन ऐसा भी याद नहीं है कि हम 37.5 भी याद रख लें, जितना जरूरत नहीं है। देखो क्या है, किसी एक को ले लेते हैं हम। यहां पर क्या दिया हुआ है बेसिकली, ये वाला, ये है आपका साइन 4 थीटा ले लेते हैं, है ना, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, है ना। दिस कैन बी रिटन एज, देखो साइन है कॉस है, या तो कॉस को साइन में बदलेंगे या साइन को कॉस में बदलेंगे। सोच रहे होगे ना बच्चे कैसे करना है। देखो यहां पर पावर 4 है, यदि हम कॉस में लाएंगे तो हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। हम लिंक मतलब लिंक बोल रहे हैं, इंक भी तो बचाते हैं, है ना, सॉरी। तो 4 cos स्क्वायर थीटा इसको हम साइन में बदल देते हैं, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो साइन 4 थीटा प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये। तो यहां से ये क्या आ गया आपका, साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, है ना। तो ये आ गया आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसमें ना सोचना यह है बच्चों कि अब इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते थे, है ना, और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, एकदम अच्छा है। लेकिन जब रूट हटेगा तो रूट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट एक्स इज इक्वल टू मतलब सॉरी रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है ना। कभी भी रूट एक्स स्क्वायर को यदि एक्स लिखा और एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, 100% गलत आंसर आएगा। बहुत ही रेयर केस में एक्सेप्शन है, लक होना चाहिए बहुत अच्छा, तब हो सकता है सही आंसर आए। मतलब यदि x के बारे में पता है तो उसके हिसाब से सोचेंगे। तो यहां पर क्या है, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होगा, ना कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया आपका 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ गया ना 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, दिस इज इक्वल टू सेम वही है ना, ये कॉस 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या करेंगे, cos 4 थीटा लिख दिए, दोबारा वो चीज करना नहीं है, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं, यही है ना आपका। तो यहां से क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 लिख सकते हो, या 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो यहां से क्या हो गया, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया और ये आ गया, यानी दोनों का एडिशन, सो दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी ऐड कर दिए तो क्या आ गया, देखो आंसर ही आ गया, थीटा की तो जरूरत ही नहीं हुई, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 माइनस फॉर्मलिटी के लिए लिख रहा हूं भाई, आंसर तो बच्चों को आ ही चुका होगा। तो ये आ गया 4 माइनस 1 दैट इज 3, आ गया ना। तो ये आ गया आपका आंसर, अपना नहीं क्वेश्चन का, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ये आ गया 3, तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 3, आसान है ना। तो देखो इसमें ना डराने के लिए एंगल 37.5 डिग्री दिया हुआ है,
देखो जो बताया हुआ है ना 18 डिग्री से डरना नहीं है, अब याद रखना है 54 डिग्री कॉस में, यानी मतलब साइन में है ना, यानी कॉस 36 डिग्री, 75 डिग्री, 15 डिग्री, 22.5 डिग्री, इसके अलावा आता है ना भाई, जरूरत है नहीं, 37.5 डिग्री, ये सब आज तक तो जरूरत ही नहीं है कुछ भी, क्लियर है, ये हमें ध्यान देना है। तो देखो एक आसान था है क्वेश्चन ये, तो आज हम क्या है ना एकदम आसान आसान क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एकदम आसान आसान। जैसे इसमें अब क्या है, सर ने लास्ट पोर्शन आपको क्या पढ़ाया था, कुछ कुछ उसमें मैक्सिमा मिनिमा था, उसके बाद कुछ कुछ रिलेशन ना कंडीशनल आइडेंटिटी के भी उन्होंने यूज किया था, तो यही हमारा लास्ट पोर्शन है। वैसे सर ने सम ऑफ साइन वगैरह भी करवा दिया था, सम ऑफ साइन हो जाए एंगल सारी नेपी, ये भी कर चुके हो, कंडीशनल आइडेंटिटी भी बचा हुआ है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी और सम ऑफ एन टर्म्स यानी हो जाए एंगल सारे इन एपी, ये दोनों में से कोई भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे यदि हम यूज करें सम ऑफ साइन हैविंग एंगल्स इन एपी, फॉर्मूला सबको याद है ना, हैविंग एंगल्स इन एपी या सम ऑफ कोसाइन होगा, तो फॉर्मूला तो सारे लोग याद किए होंगे भाई, जैसे साइन अल्फा था, साइन अल्फा प्लस बीटा था, है ना, दो ही दिन में एक ही दिन में रिवीजन हो गया है ना, तो अल्फा प्लस टू बीटा है एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स है, अलग अलग टाइप के फॉर्मूले यूज करते हैं इसमें, है ना, दिस इज इक्वल टू साइन एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाय टू है अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय टू है, ठीक, ये लेना है इंटू, यहां साइन में है ना तो इंटू साइन ले लो, ठीक है, टू अल्फा यानी अल्फा प्लस एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस बाय टू, या इसी को कोई कोई लिख लेता है टू अल्फा प्लस एन माइनस वन, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स एंगल में डिवाइडेड बाय एन भी तो लिख सकते हो, होता है ना एपी में सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये भी लिख सकते हैं, कोई भी इसको हम याद रख लेंगे, है ना, एज इट इज एकदम बच्चों इसको याद रखना है आपको, एज इट इज एकदम, साइन है तो यहां पर साइन रहेगा, यदि यहां पर हम कॉस ले लेते हैं ना, यदि यहां पर कॉस होता, हर जगह कॉस है, यहां तो हर जगह कॉस है, तो यहां पर केवल ये कॉस होगा, बाकी ये सेम रह जाएगा, कॉस होगा तो बाकी उधर वाला कॉस हो जाएगा, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू तो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे इस पर तो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर ने करवा दिए हैं, देखो उस पर एक और यदि हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, इस पर टू साइन टू डिग्री, ठीक है, प्लस फोर साइन फोर डिग्री प्लस सिक्स साइन सिक्स डिग्री एट साइन, अब देखो लिखते लिखते थक गए ना, अब इसको कहां तक ले जाना है फॉर्मलिटी के लिए 178 ले जाते हैं, वैसे तो देखो क्वेश्चन में क्या रहता है ना 180 डिग्री तक ही दिया रहता है, तो आप साइन 180 तो जानते हो, ये लाना है आपका 90 टाइम्स कॉट, मतलब लैम्डा डिग्री ले लेते हैं, यहां पर लैम्डा ले लेते हैं, है ना, तो बताना है लैम्डा क्या होगा, क्या बताना है बच्चों लैम्डा क्या होगा ये बताना है। तो देखो ये एंगल एपी में है लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है, पहले से भी टू लगा हुआ है, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें नहीं लगा सकते ना, क्योंकि जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है बच्चों, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है ऐसा वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से हमारे सर ने आपको बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन के लिए हम इसको कर रहे हैं, अब देखो सोचना क्या है इसमें, जब तक साइन अल्फा प्लस बीटा कुछ कॉन्स्टेंट तो है नहीं, यहां पर कुछ कांस्टेंट तो है नहीं, फिर क्या करेंगे, कुछ लोग सोच भी चुके होंगे, एकदम अच्छे बच्चे हैं, है ना, वो कैसे सोचे होंगे इसमें, वो सोचे होंगे कि साइन 178 डिग्री जो है ना भाई हमारा, साइन 178 डिग्री
वो होता है साइन 178 डिग्री। क्या होता है यदि हम देखें साइन 178 डिग्री, ये वाला है ना साइन 178 डिग्री क्या होता है, देखो सोच लिए होंगे ना यार, ये मिट नहीं रहा है। साइन 178 डिग्री दैट इज साइन 2 डिग्री ना, कैसे साइन 2 डिग्री आया होगा, कैसे साइन 2 डिग्री आया होगा, क्योंकि क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, मतलब क्या होता है साइन थीटा होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो वही वाला यूज कर लिया, यानी हम इसको अलग अलग सोचे है ना। तो देखो इसी को हम ले जाते हैं, तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 साइन 2 डिग्री प्लस 4 साइन 4 डिग्री 6 साइन 6 डिग्री 88 साइन 88 डिग्री, सारे इवन वाले हैं भाई है ना, प्लस 90 साइन 90 डिग्री, ये भी फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, 92 साइन 92 डिग्री एंड सो ऑन, 178 साइन 178 डिग्री है ना। आप देखो साइन 178 डिग्री जो है आपका ये वाला जो है, दिस इज इक्वल टू साइन 2 डिग्री है ना, साइन 178 डिग्री साइन 2 डिग्री, तो साइन 2 डिग्री टोटल कितने बार आ गया, दो बार यहां से था साइन 2 डिग्री, 178 टाइम्स यहां से हो गया, तो टोटल मिला के क्या हो गया, टोटल 180 टाइम्स आ गया ना साइन 2 डिग्री आया, प्लस 4 साइन 4 डिग्री था इसके पहले जो यहां पर था, ये तो 176 डिग्री है ना, 178 डिग्री के पहले 176 टाइम्स साइन 176 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी 176 प्लस 4 यानी 176 प्लस 4 कितना हो गया 180 हो गया, तो ये साइन 4 डिग्री आ गया, अगला वाला भी साइन 6 डिग्री, बस एकदम ये कहां तक आ गया, साइन 88 डिग्री जो है और साइन 92 डिग्री दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों क्या है बच्चों एक ही चीज है, ये दोनों येलो कलर के इक्वल होता है। अब 88 प्लस 92 कितना हो गया 180, तो ये तो 180 तो कॉमन लिए हुए है ना, तो ये आ गया आपका साइन 88 डिग्री तक आया, आया ना साइन 88 डिग्री तक आया है बच्चों। अब देखो सोचने वाली बात है, छूट कौन गया भाई, देख 90 डिग्री तो 90 डिग्री के साथ ही आएगा, वो तो एक ही बार है तो वही छूट गया, ये वाला पूरा छूट गया है ना, इसका कोई पेयर एक साथ असेंबल होने के लिए नहीं मिला, तो ठीक है बेचारा अकेले रहेगा 90, क्यों क्योंकि ये वाला पूरा छूट गया। अब देखो इसी को सॉल्व कर देना है, अब तो ये एंगल एपी में है ना, तो ये देखो ये एंगल एपी में है, इस एपी का 2 डिग्री है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस 2 डिग्री है ना, कॉमन डिफरेंस भी 2 डिग्री है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स 2, 4, 6, 88 आधा है, 1 से 88 होता तो 88 टर्म्स होते, आधा है उसका यानी 44 है कि नहीं, तो n इज इक्वल टू 44 हो गया। तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं 180, ये तो है ही फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों साइन n बीटा बाई 2 यानी 44 इंटू बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन, वैसे भी देखो फर्स्ट और लास्ट एंगल तो पता ही है ना, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री बाई 2 है ना, ये आ गया फॉर्मूला, और प्लस 90 लिखा हुआ है यहां, ठीक। तो ये देखो अब कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 180 टाइम्स, अब 180 पूरे में ले लिया भाई कॉमन 180, अच्छा लेकिन यहां तो 90 है ना, तो इसका मतलब हम 90 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 90 कॉमन ले लेने से ये 2 आ गया, समझ में आ रहे हो ना, 180 था 90 कॉमन ले लिया, चूंकि 90 यहां भी है इसीलिए,
साइन 44 डिग्री इंटू, अब थोड़ी देर के लिए ना भूल जाते हैं कि साइन 45 वन बाय रूट टू होता है, भूल गए, ठीक है हम भी भूल गए, डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री है और प्लस 1 था, यही था ना, ये तो ये दिया हुआ है आपका। यहां तक क्लियर है? क्या किया हमने, 90 कॉमन ले लिया, ये 45 डिग्री आया है, भूल गए कि साइन 45 वन बाय रूट टू होता है ना। अब देखो ऊपर में 2 साइन ए साइन बी लग गया, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है भाई, देखो हम कहीं लिख देते हैं, कहां लिख दे, यहां लिख देते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये सब तो एकदम सारे बच्चों को याद है, कमेंट्स बॉक्स में मैंने देखा था सारे लर्न थे, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, सारे बच्चों को ये याद है, ये लिख चुके हैं। तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 44 माइनस यानी 1 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी 89 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री है और प्लस 1 है। देखो कितना आसान है ये, कॉस 89 डिग्री, साइन 1 डिग्री होता है ना, तो 90 ये आ गया, कॉट 1 डिग्री माइनस कॉस 89, साइन 1 होता है ना, और साइन 1 अपॉन साइन 1, 1 प्लस 1 वो अलग वाला 1 था, तो ये कट गया ना, तो ये आंसर क्या आ गया आपका, 90 कॉट 1 डिग्री, 90 कॉट 1 डिग्री आ गया आंसर, यानी आंसर में 90 कॉट 1 डिग्री, यहां क्या लाना था, कहां गया, हाँ 90 यानी लैम्डा इज इक्वल टू, आंसर कितना आया 90 कॉट 1 डिग्री आया है ना, इसका मतलब लैम्डा है 1, लैम्डा क्या है 1। सोचो एकदम आसान क्वेश्चन था, सम ऑफ सीरीज हो जाए, एंगल सारी नेपी उसी पर बेस था ना, सम ऑफ साइन होता है, सम ऑफ कोसाइन होता है, लीनियर में होता है, एंगल चाहे कुछ भी हो स्क्वायर में नहीं होता, लीनियर में बदल देंगे, क्यूब में है लीनियर में बदल देंगे, टैन में नहीं होता है फॉर्मूला, अभी और कुछ कुछ जैसे कंडीशनल आइडेंटिटी है बच्चों, ये सब भी हम करेंगे, इसके लिए आपको एक हफ्ता और वेट करना होगा, ठीक है, हम अगले हफ्ते यानी मंडे को जो बच गया है वो करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। नाउ ए बिग थैंक्स, इसमें क्या है, जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री वाला बच गया है, कंडीशनल आइडेंटिटी बची हैं, कुछ और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, प्रॉब्लम्स ही प्यारे होते हैं, है कि नहीं, अब जब 5-6 साल से दाग अच्छे हैं तो प्रॉब्लम्स तो उससे भी अच्छा होगा भाई, है ना, तो प्रॉब्लम्स अच्छे होंगे, हम अगले हफ्ते आपके लिए फिर कुछ और मतलब क्या बोलते हैं सर्कल लैंग्वेज में भन्नाट क्वेश्चन लेके आएंगे, और उस क्वेश्चन को हम विथ क्विक रिकैप और विथ सम थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।